क्यों एकत्रित नहीं हो पा रहे, इस पर विचार करना होगा। उन लोगों ने पाखंडवाद फैलाया, हर तरफ हम लोगों को अंधविश्वास और धार्मिक बातें बताकर, धार्मिकता की भांग पिलाकर ऐसा कर दिया गया कि हम लोग अपना इतिहास ही भूल गए। हम लोग पिछली जातियों के लिए संघर्ष करने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में भी सही तरीके से नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम जन जागरूकता उस स्तर पर लाएं जो देहात में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको नहीं मालूम कि सावित्रीबाई फूले कौन थी, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे और ज्योतिबा फूले कौन थे, उनसे पहले साहूजी महाराज, इन सब जितने भी महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने पिछड़ों के हित में, पिछड़ों के उत्थान के बारे में काम किया है, उनके बारे में जानकारी हमें देहातों में पहुंचाई जानी चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 इस बात का प्रावधान करता है कि पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएं और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो किस प्रकार से ऐसी योजनाएं कोई भी सरकार बना सकती है। खाली ये कहकर कि जातिगत जनगणना कराने से देश में जातिवाद बढ़ेगा, और हाल ही में तो ये कह देने से कि भारत सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि जातिगत जनगणना कराई जा सके, इसके पीछे क्या मकसद है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं जातिगत जनगणना की बाबत इतना ही कहना चाहूंगा कि 1931 से 1931 तक इस देश में जातिगत जनगणना होती रही। 1941 में विश्व युद्ध के कारण आंकड़े प्रदर्शित नहीं हो सके और उसके बाद भारत आजाद हो गया और आजादी के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। इसके पीछे क्या उद्देश्य है भारत सरकार का कि आजादी के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, जबकि हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों के प्रति जातिगत जनगणना की के आंकड़ों की सदैव आवश्यकता होती है। आपको कितना बजट किस जाति के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटीज, इन सब के लिए आपने कितना बजट अलॉट किया है, कितना उनका उत्थान किया है, उनके कितने कल्याणकारी कार्यों में आपने योगदान किया है, इस सब के लिए आवश्यकता होती है। परंतु खाली ये कहकर कि जातिगत जनगणना कराने से देश में जातिवाद बढ़ेगा, और हाल ही में तो ये कह देने से कि भारत सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि जातिगत जनगणना कराई जा सके, इसके पीछे क्या मकसद है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी रूप में वो नहीं जानना चाहते या जानने देना चाहते हैं कि भारत में पिछड़ा वर्ग जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी सम्मिलित हैं कितना है और उनकी भारत के संसाधनों में कितनी भागीदारी होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने SC ST के लिए जो व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं उनके अनुसार तो SC ST की जनगणना हो रही है, परंतु OBC की जनगणना नहीं हो रही है, जबकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 इस बात का प्रावधान करता है कि पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं
बनाई जाएंगी, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो किस प्रकार से ऐसी योजनाएं कोई भी सरकार बना सकती है। मुझे हमें हम लोगों को पढ़ाया गया है जैसा इतिहास, वो इतिहास वास्तव में कुछ और रहा है, और जो नहीं पढ़ाया गया वास्तव में इतिहास वो था। आपको साइमन कमीशन के बारे में जानकारी होगी कि भारत में साइमन कमीशन दो बार आया और उसके पीछे क्या उद्देश्य था। साइमन कमीशन का विरोध किन लोगों ने किया? जब साइमन कमीशन पिछड़ी जातियों के जो उनके स्तर को सुधारने के लिए, उनकी जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए साइमन कमीशन आया और कमेटी बनाई गई, तो आप देख सकते हैं इतिहास उठाकर कि उनका विरोध किन लोगों ने किया। गांधी जी ने भी उनका विरोध किया, जवाहरलाल ने उनका विरोध किया, बाल गंगाधर तिलक ने उनका विरोध किया। कौन लोग हैं ये सब जिन्होंने उसका विरोध किया, जो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से भारत में पिछड़ी जातियों के उत्थान या उनके प्रतिनिधित्व की बाबत कोई बात की जाए। यहाँ तक भी कह दिया गया है कि संसद में तेली तमोली कंबटे जाकर क्या हल चलाएंगे। ये व्यवस्था साइमन कमीशन के सामने से ही भारत में हमको देखने को मिली है, और वही लोग अभी भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। 1931 की जनगणना के अनुसार यदि पिछड़ी जातियां 52% हैं, तो क्या 52% अधिकार उनको मिले हैं? अभी तक वो अधिकार नहीं दिए गए हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, सम्मेलन भी बहुत हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जातिगत जनगणना कराए जाने की बात उठी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई असर भारत सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो राज्य सरकारों को भी जातिगत जनगणना कराने के लिए उत्प्रेरित करना होगा, भारत सरकार को भी जातिगत जनगणना कराने के लिए हम लोगों को बताना होगा, दबाव डालना होगा। उसके लिए जो भी जिस प्रकार के अभी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी करना हो वो करना होगा। जातिगत जनगणना कराने से भारत सरकार क्यों बच रही है? सीधा सीधा आपको कोई अधिकार देने के मूड में नहीं है, और आप अपने अपना हिसाब भारत के बजट में अपनी जनसंख्या के अनुसार अपना हक हिस्सा मांगने के लिए आप लोगों को बिल्कुल ऐसा निष्प्रभावी कर दिया गया है, ताकि आपको अपना अधिकार न मिल सके और वो अपने तरीके से भारत के सभी स्रोतों का उपयोग करते रहे। इस देश में 85% जनमानस, केवल 15% जनमानस के द्वारा गवर्न है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। 85% जनमानस यदि एक मंच पर आता है और एक साथ सारी कार्रवाई करने के लिए तैयार होता है, तो कोई कारण नहीं है कि भारत में जातिगत जनगणना ही नहीं, अन्य सभी कार्य पिछड़ों के फेवर में कराने के लिए शक्ति प्रदान कर शक्ति मिल सके। हम लोग क्यों एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इस पर विचार करना होगा। उन लोगों ने पाखंडवाद फैलाया, हर तरफ हम लोगों को अंधविश्वास और धार्मिक बातें बताकर, धार्मिकता की भांग पिलाकर ऐसा कर दिया गया कि हम लोग अपना इतिहास ही भूल गए। हम लोग पिछड़ी जातियों के लिए संघर्ष करने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में भी
सही तरीके से नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम जन जागरूकता उस स्तर पर लाएं जो देहात में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको नहीं मालूम कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे और ज्योतिबा फुले कौन थे। उनसे पहले साहू जी महाराज, इन सब जितने भी महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने पिछड़ों के हित में, पिछड़ों के उत्थान के बारे में काम किया है, उनके बारे में जानकारी हमें देहातों में पहुंचानी चाहिए। हम जितने भी सम्मेलन कर रहे हैं, अच्छे सम्मेलन कर रहे हैं, उन पर पैसा भी काफ़ी खर्च कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी उस खर्च के अनुसार हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कारण कि ओबीसी अभी जागा नहीं है। पिछड़ी जातियों में एससी एसटी में कुछ जागरूकता आई है, लेकिन पिछड़ी जातियों में अभी तक कोई जागरूकता नहीं आई है। वो अभी तक भी कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो अपने आप को सामाजिक स्तर पर अग्रणी जातियों के समान प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों की सूची से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये दोहरा मापदंड, ये दोहरा मनोभाव किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हम अगर पिछड़ी जाति की सूची में हैं और पिछड़ी जाति से संबंधित अधिकारों को और उससे संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ये भूलना होगा कि हम लोग कुछ जातियां अग्रणी जातियों के सदृश हैं और अपनी ही ओबीसी की अन्य जातियों से हम उतना घुल मिलना नहीं चाहते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो ये भी मिलता है कि हम उन लोगों से घृणा भी करते हैं। तो ये भाव जब तक हम नहीं हटाएंगे अपने मन से, तब तक ओबीसी और सभी पिछड़ी जातियों में एकता का भाव नहीं बन पाएगा। और ये सब भावनाएं जितनी भी हैं, ये सब आम जनमानस जो कि देहातों में रहता है और जो सबसे बड़ी शक्ति है जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में हमको दी है, वोट का अधिकार, उनको समझानी है और उनके मन में ये भाव पैदा करना है कि समता समानता के साथ यदि सब लोग एकत्रित होकर आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर हम लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे और उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए एकता, सभी सामाजिक संगठनों की एकता और सभी सामाजिक संगठनों का जो कार्य लेखा है, यदि उसका आकलन इस बात से किया जाए कि उन्होंने देहातों में कितना काम किया है, तो स्वतः वो संगठन ये समझने लगेगा कि भाई मैंने अपने समाज को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, जगाया है और उसके वोट का अधिकार उसे प्रयोग करने के लिए एक ऐसी युक्ति सुझाई है ताकि आने वाली सरकारें केवल बहुजन समाज की ही बन पाए, अन्य किसी की नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें कार्य करने की आवश्यकता है, संयुक्त रूप से देहातों में और देहाते को लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के प्रति जागृत करना है, पाखंडवाद का विरोध करना है और उनको अंधविश्वास से बाहर निकालना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जय भीम, जय संविधान।